हेलो दोस्तों, मैं अमीन और आज मैं लेके आया हूँ ईसीसी बूस्ट का रिव्यू। ये ईसीसी बूस्ट तकरीबन कुछ 1.5-2 महीने पहले चालू हुआ है और ये वही प्रोजेक्ट है जो ईसीसी जो शुरू हुआ था कुछ साल पहले, जहाँ पर लोगों ने कई सारा इनकम बनाया और कई साल लोगों ने लॉस भी किया। तो ईसीसी बूस्ट एक आशा थी लोगों की, जिन्होंने लॉस किया उनको लॉस के रिकवर करने के। और आज मैं कोशिश करूंगा आपको ईसी बूस्ट की रियल सच्चाई या ईसी बूस्ट एक्चुअली क्या है और क्या आप इसमें पैसे बना भी सकते हैं। तो इसको मैंने ट्राई किया जब ये आया, रिफर मैं लिंक्स और रिफर नहीं किया हूँ, लेकिन कोशिश किया हूँ कि इसको समझने के लिए कि क्या यहाँ से इनकम बन सकता है। तो इसके लिए मेरा जो पहला पैकेजेस इनका जो दिया गया है, तकरीबन देखिए पैकेजेस थे लाइट, जब मैंने स्टार्टिंग में आया था तभी लाइट नहीं था, 10,000 वाला टेकिंग नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने जब लगा कि 50,000 वाला सिल्वर वाला, $50,000 वाला बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 10,000 वाला निकाला। लेकिन स्टार्टिंग में लाइट 10,000 है, 50,000 जो है स्टार्ट स्टेकिंग, जो उसका सिल्वर पैकेज है, गोल्ड है तकरीबन 5 लाख का है, डायमंड है 10 लाख का। इस तरह से अलग अलग पैकेजेस हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर स्टेक करते हैं, आपको डेली का डेली यहाँ पर आपको इनकम दे देते हैं। तो ये शुरुआत हुई है जहाँ पर स्टेकिंग भी मिलेगा आपको, लेवल इनकम भी मिलेगा। और अगर आप देखें पिछले कुछ दिन से, आज तकरीबन 10 फरवरी है, तो जैसे आप देखेंगे इन्होंने टोटल अगर इनके स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तकरीबन अच्छी खासी इन टोटल डिपॉजिट हुआ है इधर, और उसमें विड्रॉल्स भी दे चुके हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत खटकी कि ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से लोगों के पैसे ऐंठने के लिए बना हुआ है, ना कि लोगों को इनकम देने के लिए, ना कोई प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब ये आया था लोगों का बहुत एक्साइटमेंट था कि प्रोजेक्ट अच्छा खासा आया हुआ है, ये प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ भी रहा था। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल दिखाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये लोग फ्रॉड काम कर रहे हैं अभी। इसके लिए कि बता रहा हूँ आपको, देखिए देखिए, दो इन्वेस्टमेंट 50,000 ईसीसी का था, इसके हिसाब से जो ये लोग एपीआई दे रहे हैं, तकरीबन बोल रहे हैं अप टू 252% एपीआई। अभी कुछ दिन पहले मुझे ये मैसेज मिलता है कि योर अर्निंग हैज बीन स्टॉप्ड, यू हैव अर्न 3x फ्रॉम योर स्टेकिंग, प्लीज स्टेक मोर टू स्टार्ट अर्निंग। नाउ 3x मतलब मेरे 50,000 का, मेरा 50,000 के इन्वेस्ट हो गया, कम से कम मेरे पास 1,50,000 तो मेरी अर्निंग होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पर मेरा वॉलेट दिखाता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए मेरा वॉलेट में ये मेरी इनकम है, अभी तक 50,000 डाला था, 39,847 जो मेरी इनकम आई है। अभी हो क्या रहा है कि जब भी आप उसके विड्रॉल करते हैं, अमाउंट वो दिखाता है अच्छा खासा मोटा अमाउंट, अब देखेंगे यहाँ पर वो दिखा रहा है मुझे कि मेरे पास 114,000 ईसीसी आए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास कुल मिला के 39,847 ही आए। अगर आप ट्रांजेक्शन देखेंगे दोस्तों ना, ये मेरे मेरे विड्रॉल्स, मैं क्या कर रहा, जो भी इनकम आ रहा था तो मैं रेगुलर विड्रॉल्स कर रहा था, लेकिन हो क्या रहा था कि जब भी आप विड्रॉल करते हैं आपके दिखाएगा आपको 8,000-10,000 ईसीसी आपके वॉलेट में, जो विड्रॉलेबल है अवेलेबल आपको दिखाएगा, लेकिन आपके वॉलेट में ये बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है कुछ वैल्यू। जब से आप विड्रॉ करते हैं आप कुछ देखिए, आप अगर आप यहाँ पर मैं स्क्रीन ये ओपन नेटवर्क थोड़ा दे, देखिए ये मेरा विड्रॉल था तकरीबन मेरे हिसाब से 30,000 को कुछ विड्रॉल था मेरा, और मेरे वॉलेट में आए हैं 0.00528 आए हैं ईसीसी, बाकी नहीं आए। इसके पहले मेरे विड्रॉल 318 के आ गए थे, छोटे छोटे अमाउंट आ रहे हैं, लेकिन आपके जब अर्निंग बड़ी होती है तो वो टाइम पे विड्रॉल देते नहीं है। तो मतलब मुझे कुल मिलाकर तकरीबन 40,000 के आसपास मिला है, मेरा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट 50,000 था इसमें, मतलब मेरा मेरा बेस 50,000 था। इसके हिसाब से अगर वो कहते हैं कि 3 टाइम्स होना चाहिए, तो मेरे पास तकरीबन 150,000 का ईसीसी होना चाहिए, तो नहीं है। मुझे पता है ये लोग ये शुरू करे हैं आपको ठगने के लिए, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ दिन पहले इन्होंने अभी ईफी भी शुरू किया है, मतलब ईफी स्टेकिंग भी शुरू किया है, और यहाँ पर भी वही कहते हैं कि आप ईफी स्टेक करो
तो आपको 5,000 का ईफी है, 10,000 का ईफी है, 50,000 ईफीज है, फिर आपको वो पीडब्ल्यूटी का बोलते हैं स्टेकिंग शुरू करो। देखिए दोस्तों बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मैं इसके बारे में बहुत पॉजिटिव था, और कई लोगों को पता है मेरे वीडियोस मैं बनाता था इसके बारे में कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, और कई लोगों ने इसमें फायदा भी किया, इनकम भी बनाया, लेकिन कई लोग इसमें लूज किए। मेरा फेथ यहाँ पर बंद कैसे हुआ, जब इन्होंने पीडब्ल्यूटी जब इन्होंने दिया लोगों को, और पीडब्ल्यूटी का पेमेंट लेके इन्होंने लोगों को $50 का चार्ज लगाया। आज के टाइम पे अगर आपके पास जो परचेस किया हुआ है उससे 10 गुना अगर आप $50 का परचेस करेंगे तो आपको उससे 10 गुना मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट किया था इस पे। तो इन्होंने जब ये $50 का चार्ज लगाया मुझे पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर चोरी करने आए हुए हैं। तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ना ईसीसी के ना ईफी के ना पीडब्ल्यूटी के कोई भी स्टेकिंग, ये जो ईसीसी बूस्ट जो जो लेके आए हैं इसमें 1 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये लोग देने वाले नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर जमा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा फाइनल रिव्यू है कि आप अगर सोच भी रहे कि ईसीसी बूस्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लोग देते कुछ नहीं है। क्योंकि इसीलिए मैंने ईसीसी बूस्ट जब प्रोजेक्ट आया था मैंने खुद इसको प्रमोट नहीं किया था। हाँ कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था कि इस तरह इसको कैसा स्टेकिंग करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैंने उसकी स्टेकिंग का वीडियो जरूर बनाया था, लेकिन मैंने किसी को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इसका कोई प्रमोशन नहीं बनाया था, बाकी मैं इसको मुझे जानना था कि एक्चुअली इनका आइडिया इसके पीछे क्या है। तो बस दोस्तों बहुत सिंपल है, इनका आइडिया यही है कि लोगों के जो बच्चे खुचे जो उनके वॉलेट में ईसीसी पड़े हुए हैं, ईफी पड़े हुए हैं, पीडब्ल्यूडी पड़े हुए हैं, वो लोगों का लेके ठगना चाहते हैं दोस्तों। तो ये चीजें थी, मैं आपको एक ईसीसी बूस्ट का आपको, क्योंकि कई सारे कॉल्स आ रहे थे सर आप ईसीसी बूस्ट के बारे में मुझे बताइए, ईसीसी बूस्ट आपके हिसाब से कैसा है, तो मैं मुझे एक प्रॉपर डिटेल उसका रिव्यू करना था कि ईसीसी बूस्ट क्या है। बहुत सिंपल है दोस्तों, ईसीसी बूस्ट ठगी है दोस्तों, इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे बचाएं ताकि आपको ये अगर आपको कहीं और यूज करना है यूटिलाइज करें। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट करें ये टोटल आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं दोस्तों, शेयर करना भूलना नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।